हमारा चुपकुस्ता तो बहादुर बच्चा है, ये बड़े बड़े काम इस चुटकी में कर लेता है। ये तुम तो इतने बहादुर हो, बड़े बड़े काम ऐसे कर लेते हो, ये काम तारे लिए कुछ ना है, आई समझ? आप बालक बुद्धि हैं, बालक बुद्धि। रानी सा को एक असली मर्द की आवश्यकता है जो उनका ध्यान रखे, सुरक्षा करे उनकी। मीनाक्षी भाई सर, मीनाक्षी भाई सर, हमारे को थारे से बात करनी है। क्या हुआ? वो नारियल वाले खेल में ध्रुव को जो नारियल दिए थे वो कौन लाया था? हम लाए थे। हमारे को ये बात कुछ समझ ना आ रही भाई साहब, इतना शक्तिशाली इंसान एक नारियल ना तोड़ पाया। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, कपाली के आदमियों की कैसी हुरूरिया की थी। आप क्या कहना चाह रही हैं, हमको समझ नहीं पा रहे हैं। मारे को पहले पता करना होगा कि ध्रुव नारियल क्यों नहीं तोड़ पाए। अगर मारे को वजह पता चल गई तब मैं ध्रुव को समझा पाऊंगी। एक नारियल ना टूट पाया। आप निश्चिंत रहिए, हम जाँच करेंगे नारियल की। तब तक मैं ध्रुव बाबू को देखाती हूँ, वहाँ से बड़े उदास होकर झुंझुला कर निकले थे। आप उनका ध्यान रखिए, हम नारियल की जाँच करते हैं। धन्यवाद। नेत्र ध्रुव, कई बात है, तुम बहुत व्याकुल हो। कुछ नहीं, कुछ बात है। बात तो है, शेयर तो करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ पर नहीं बताऊंगा। तुमने ही कहा था ना कि हम मित्र हैं, तो अपनी बात कहकर अपना हृदय हल्का कर। पक्का? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझको, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कहीं शर्म आ रही हो? मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, मेरी तारा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं नारियल नहीं बोल पाया अपनी तारा के लिए। वो देखा था ना कैसे उसने ऐसे करके मेरे ऊपर माला डाली, पर मैं नारियल नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं, परेशान हो गया। हम दोनों की व्यथा एक ही है। कैसे? हमारी दोनों पत्नियों ने प्रतियोगिता जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि वो हमसे सर्व प्रेम करती है, परंतु हम नारियल की प्रतियोगिता में भाईसा से पराजित हो गए, तो हम ये सिद्धि को नहीं कर पाए कि हम भी उनसे सर्व प्रेम करते हैं। तो उनका हृदय जीतने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। क्या क्या तो बताओ। ओ बेटा जी, वो बहुत ही तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। असली मर्द हीरे मोती सोना, इनसे अपनी पत्नी तो क्या किसी भी स्त्री का हृदय जीत सकते हैं। पर ब्रो, ये मेरे पास सब, जिसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो अपनी पत्नी का दिल इसे खरीद के कैसे जीतेगा? मतलब खरीद तो नहीं सकता ना वो। फिर वो असली मर्द खिलाने के योग्य कौन है? और अपनी पत्नी के प्रेम के योग्य भी कौन है? सच में बहुत बहुत बेकार इंसान हूं मैं। मेरे पहले मैंने अपनी तारा को चोट पहुंचाई, फिर उसके बाद मैं निकम्मा नारियल भी नहीं फोड़ पाया, और अब मैं तारा को खुश करूं मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या मैं सच में तारा को पति होने के लायक नहीं हूं? ध्रुव हर जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही ना रहे। कहाँ ढूंढूं,
तारा मुझसे नाराज है क्योंकि मैं नारियल प्रतियोगिता में एक भी नारियल नहीं फोड़ पाया। पहले मेरे हाथ की बनाई फूलों की ज्वेलरी देखेगी ना, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। तारा, तारा कहाँ चले गए थे? आसपास ना हो तुम्हारा मन घबरा जाता है। तारा तारा मैं ना मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। वो जो नारियल मैं तुम्हारे लिए फोड़ नहीं पाया था ना, वो देखा देखा था ना तुमने, वो कैसे वो अंकल ऐसे पट 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 तोड़ रहे थे, मैं नहीं तोड़ पाया। मैं इसीलिए माफी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत स्पेशल चीज लेकर आया हूँ। क्या? आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे, नो चीटिंग, ठीक है? टाटा। इतनी सुंदर फूलों की माला तो मैंने पहले कभी ना देखी। तारा को मेरी फ्लावर ज्वेलरी अच्छी लग रही है। मान ब्रो रॉन्ग रॉन्ग कह रहे थे, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तुम्हें तारा अच्छी लगी? हाँ हाँ। तो तारा देखो, ये इसमें जो ये ना वो असली नहीं है, वो नकली है। वो जैसे असली वाले मर्द होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो उस पैसों से वो ये सब असली असली चीजें खरीद सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना ये फूलों से बने गहने बना कर लेकर आया। अरे से किसने कहा कि असली मर्द वो होते हैं जिनके पास हीरे जवाहरात खरीदने की धन संपत्ति हो? ना ऐसा कभी ना सोचना ध्रुव। ये जो तुमने हमारे लिए अपने हाथों से ये फूलों की माला बनाई है, हमारे लिए बहुत अनमोल है। पता है क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुमने इसे अपने हाथों से बनाया, इसमें तुम्हारा प्रेम है। आई समझ? आगी समझ। अच्छा अपने हाथों से बनाया ना हमारे लिए, तो अपने हाथों से पहना भी दो। आपको हमारे साथ अभी चलना होगा, इसी वक्त। हमें कोई बहुत आवश्यक चीज दिखानी है आपको। पर मीनाक्षी भाई साहब, ध्रुव बहुत आवश्यक है, हमें सच्चाई का पता चल गया है। रूपा वो यहीं रुकना, नहीं हो गई और यू आई, आई से मैच। तारा वो तारा मेरे बनाया वो फूलों वाला गहना बिना पहने क्यों चली गई? चलिए हमारे साथ। ये वो नारियल है जो प्रताप भाई साहब, मान भाई साहब और अन्य लोगों ने फोड़े हैं। और ये वो नारियल है जो ध्रुव जी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक नारियल बाकी 10 नारियल के भार के बराबर है, ये कैसे संभव है? हम बताते हैं। अर्थात किसी ने ध्रुव जी के नारियल के अंदर लोहे का ये गोला भर दिया था। मतलब ये नारियल इसलिए भारी हो गए, वो ध्रुव से टूटे ही नहीं। तारा कितनी सुंदर लगेगी ये पहन कर। लेकर क्यों नहीं गई? क्यों नहीं लेकर गई वो? हाँ
आभूषण रानी सा ये नकली पुष्प के बने आभूषण कुणी पहनेंगी? वो तो हीरे मोती उसे जड़े हुए आभूषण पहनेंगी जो तुम नहीं दिला सकते, जो हमारे भाई सा सूर्य प्रताप उन्हें दिला सकते हैं। तभी तो रानी सा तुम्हें छोड़कर भाई सा के लिए भोजन बना रही है। भोजन? उस राक्षस रावण बैटमैन के लिए? ये भोजन आपने स्वयं अपने हाथों से परोसा है रानी सा? हाँ हाँ, क्यों ना राजा बाबू, आपने मारे को ध्रुव के साथ घंघोर पूजा करने दी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। ग्रहण कीजिए। अवश्य करेंगे, बड़े चाव से ग्रहण करेंगे। तो सच में बैटमैन राक्षस रावण के लिए खाना लेकर गई है। वो क्यों खाना लेकर गए उसके लिए? वो गद्दा गंदा आदमी है वो। किसने बनाई चने की साख? लोहे के चने चबाने दिए हमें, किसने किया ऐसा दुस्साहस? पता नहीं राजा बाबू, आप ही सोचिए कि मारे को ईंट का जवाब पत्थर से देना ना आता होगा क्या? अवश्य आता है, अब तक समझ नहीं आई। अब लोहे के गोले वाला नारियल ध्रुव बाबू से भले ही ना टूटा, लेकिन ये लोहे के चनों से आपके दांत, आपका घमंड अवश्य टूट सकता है। अपनी इज्जत ना अपने हाथों में होती है राजा बाबू, संभाल के रखिए, वरना चटक करके टूटेगी तो पूरे देवगढ़ में गूंज उठेगी। बिजली से लोहा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा। आई समझ? तो राजा बाबू की जो गुरु रैया की है, जिसका जिसने ध्रुव के साथ मनाने का मन कर रहा है। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसा करती हूँ, ध्रुव बाबू ने जो हमारे लिए फूलों वाली माला बनाई थी उसे पहन कर जाती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। आई समझ? वाले गहने कहाँ गए? क्या हुआ, उदास क्यों हो? हमने तो पहले ही कहा था भाभी सा तुम्हारे सस्ते नकली आभूषण को नहीं पहनेंगे। तुमने मुझे झूठ बोला था, झूठ बोला तो तुमने मुझे। मेरी तारा को तो बहुत अच्छा लगे जो मैंने अपने हाथों से जो उसके लिए सुंदर सुंदर फूलों वाला गहना बनाया था, वो उसको अच्छा लगे। आइए आइए, आपकी भ्रांति दूर की देते हैं। क्या, कैसे? देखो,
मेरा वाला है। दुख की बात है, यही मोल है आपके प्रेम का रानी सा के मन में। उपहार स्वरूप जो भेंट आपने अपने हाथों से बनाई, कूड़े दान में फेंक दी रानी सा ने। मेरी तारा ने खुद कहा था मुझे कि उसे ये जो मैंने गहने बनाया वो बहुत अच्छा लगा। और तारा इधर इस मैखाने के कूड़े दान में क्यों आके फेंकेगी? आइए। नहीं, मार 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 मार। नहीं मारेंगे ध्रुव, आइए बैठिए 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 बैठिए। उन्होंने महकाने के कूड़ेदान में इसलिए फेंके होंगे ताकि आपको कभी पता ना चले, क्योंकि यहाँ तो आप कभी आते ही नहीं। अनमोल होते तो तिजोरी में रखती, ऐसे कूड़ेदान में ना फेंकती ध्रुव। आप बच्चे हो ना, बालक बुद्धि, बच्चों का मन बहलाने के लिए बड़े झूठी प्रशंसा करते हैं जिससे उन्हें बुरा ना लगे। इसे दया भाव कहते हैं ध्रुव, प्रेम नहीं। अब क्या करोगे? बच्चों की तरह रोओगे? मर्द बनो। कैसे? मदिरा पान करके। मदिरा पान करो और पूरे अधिकार के साथ रानी सा के पास जाओ और पूछो उनसे कि वो बच्चों की तरह तुम्हारा मन बहला रही हैं या पूरे मन से प्रेम करती हैं तुम्हें। जानना अधिकार है तुम्हारा, पी जाओ। नहीं, 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 नहीं। मुझे पढ़ाया गया कि ये जो वो मदिरा होता है ना, मदिरा पान बहुत गलत बात होती है, बच्चों के लिए अनुचित है, हम मानते हैं, परंतु हम मर्द हैं, हम समझते हैं आप बच्चे हैं, बालक हैं, आप नहीं पी सकते, मर्द जो नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं भी मर्द हूं। तो सिद्ध करो, मदिरा पान करो और पूरे अधिकार से चुंबन करके रानी सा पे अपना प्रेम, अपना अधिकार जताओ। है हिम्मत? मैं हिम्मत, मुझमें है हिम्मत। दिखा करूंगा कि मैं मर्द हूं। कैसे दिखाओगे? यही एक उपाय है, पी जाइए, मर्द बन जाइए। बहुत 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 गलत चीज होती है ये, मैं नहीं पीऊंगा। बच्चे ही है आप, मन से मस्तिष्क से बच्चे ही हैं। मत पीजिए आप मदिरा, दूध पीजिए, सबके दया भाव का पात्र बनिए। रानी साहब बिल्कुल ठीक करती हैं, आपको छोटा सा बच्चा मानकर मन बहलाती रहती हैं आपका, इसी योग्य हैं आप। जाइए खेलिए। एक भी नारियल ना टूट रहा सारे से। छोटे से गांव में हमारा ये चुटकुस्ता तो बड़े बड़े काम करने के लिए। हमारा चुटकुस्ता एकदम बहादुर बच्चा है। तुम तो इतने बहादुर हो, बड़े बड़े काम ऐसे कर लेते हो, ये काम तारे लिए कुछ ना है। आई समझ? आप बालक बुद्धि हैं, बालक बुद्धि। रानी सा को एक असली मर्द की आवश्यकता है। हमने तो पहले ही कहा भाभी सा तुम्हारे सस्ते नकली आभूषण को नहीं पहनेगी। देखा, मैं बच्चा नहीं हूँ। एक प्याला तो कोई बच्चा भी पी जाता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.